आप देख सकते हैं ये खूबसूरत वादियाँ और ये मेरा होम टाउन है। आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं अपना होम टाउन आपको विजिट कराने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एक्सप्लोर विद रजनी। और आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी अपने घर पे और सुबह मिली थी मैं अपनी घर वालों से तो काफ़ी अच्छा फील हुआ था मुझे। तो उस दौरान मैंने कुछ काम किया तो अभी मैं मतलब अपना जो है अपने यहाँ की वनस्पतियाँ दिखाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देख सकते हैं गाइज जो ये मेरे बैक साइड में घर दिख रहा है ये हमारा है। तो अभी मैं थोड़ा आगे जाऊँगी, इस तरह से है कुछ आप देख सकते हैं। और ये सामने एक दूसरा गांव है वो दिख रहा है। गाइस क्वारंटीन के डेज में भी हमने काफ़ी मस्ती की और वहां पे भी भतीजियां थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ ही। बट खुली हवा तो खुली हवा होती है ऑब्वियसली, तो मतलब हम लोग वहां पे एकदम रूम पे ही रहते थे और कहीं बाहर आना जाना नहीं, तो थोड़ा बहुत सा रूम के बाहर ही घूम लेते थे। तो इस तरह से था कुछ वहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं इस तरह से है यहाँ पे और मैं खुली हवा में घूम रही हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। गाइस आज मेरी क्वारंटीन के पूरे डेज कंप्लीट हो गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने यहाँ की वनस्पति बता दूँ। तो वनस्पति मीन्स आप देख सकते हैं पेड़ पौधे। तो इस तरह से है यहाँ पे। और गाइस आज सुबह ही मैं अपने घर पे आ गई थी और मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। तो खुली हवा में मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और मतलब अभी मैं अपनी बकड़ कंटिन्यू रखूँगी। गाइस मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो लोग भी घर आ रहे हैं तो वो जो है गवर्नमेंट के रूल फॉलो करें, आए क्वारंटीन रहें जितने भी डेज के लिए कहा जाए उन्हें, तो मतलब उसके बाद ही आप घर आए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइज अभी हमें जैसे कोरोना महामारी से जल्दी उभरना है तो हमें अपने घर पे रहना होगा, बाहर नहीं निकलना है। और जैसे कि आपको रूल पता ही होंगे, दूरी बना के मास्क पहन के ये सब करना है तभी हम इस महामारी से जल्दी उभर सकते हैं। सबकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है गाइज और लोगों की जॉब जा चुकी है, जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी, लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। कुछ लोगों को तो मतलब पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे जो करंटली वेदर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से है हमारे यहाँ पे। ये सामने देख रहे हैं आप, ये गांव है और एक गांव और है, मतलब बीच में दो तीन जंगल पड़ते हैं वहाँ पे जाने के लिए। तो इस तरह से है यहाँ पे कुछ अच्छा है, मगर मजा आता है यहाँ पे। गाइज आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे पेड़ बुरांस के। तो अभी मैं बताऊंगी बुरांस के बारे में। ऑब्वियसली तो अभी चल रहे हैं हम घर, तो देख सकते हैं आप वेदर इतना अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे जो करंटली वेदर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। वातावरण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। हालांकि यहाँ ये पर्यटक स्थल नहीं है। फाइनली गाइज मैं खुले आसमान के नीचे हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। क्वारंटीन के डेज में भी काफ़ी अच्छा था बट वहाँ पे वही होता है ना कि अंदर ही रहते थे हम लोग। गाइज इस तरह से है यहाँ पे और आप सोच रहे होंगे कि उजड़ा हुआ क्यों है, तो मतलब ये इसलिए उजड़ा है कि जैसे यहाँ पे सावन के महीने बारिश होती है तो ये टूट के नीचे आ जाता है, फिर यहाँ सफाई होती है, फिर इसे नीचे जाते हैं, रोड सब जाम हो जाता है। गाइस आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी पतली सी सड़क क्यों है, ये सड़क काफ़ी पतली है और ये मतलब पास गांव में ही जाती है, दो गांव हैं आगे तो वहाँ जाती है और नीचे से ये मेन रोड पे निकलती है। यहाँ पे यही होता है गाइस, बांझ बुरांस चीड़ यही होता है यहाँ पे। और तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ इस तरह से ये सारे चीड़ के पेड़ हैं और आप देख सकते हैं ये हरा सोना मतलब बांझ, ये बांझ के पेड़ हैं, तो मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ ओके गाइज आप देख सकते हैं ये बुरांस का पेड़ है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्वेरक इकाना है और इंग्लिश में इसे स्ट्राइक बोलते हैं। तो मतलब ये अभी बसंत ऋतु में होता है ये, तो अभी मतलब फूल अभी जस्ट खिल के झड़ भी गए हैं
और इसका जो जूस भी होता है, और हृदय मतलब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए इनका जूस सही होता है, और इसकी जो फूल है उनकी चटनी बना के भी खाते हैं। और ये हिमाचल प्रदेश नागालैंड का राज्य वृक्ष है, और उत्तराखंड का भी, और नेपाल का है राष्ट्रीय पुष्प। ओके गाइस, सब लोग घर चले गए हैं तो यहाँ पे मेरा रहना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी आतंक है। तो गाइस इस तरह से है यहाँ पे। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेरा ब्लेस पसंद आया होगा। गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप जाके देखो यार। थैंक यू सो मच।